हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में हम क्लास 5 की साइंस जो है ऑक्सफोर्ड की चैप्टर 1 प्लांट्स एंड एनिमल्स उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। एक बार बुक देख लो, बुक ये है टुलिप ऑक्सफोर्ड की है। इसमें साइंस का चैप्टर है तुम्हारा प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। इसके कुछ पेजेस हमने डिस्कस कर लिए थे, अब हम रिप्रोडक्शन पे पहुँचे, प्लांट्स रिप्रोडक्शन पे, वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, ओके। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स रिप्रोडक्शन मीन्स क्या है, प्लांट कैसे अपना न्यू प्लांट कैसे उसका रिप्रोड्यूस होता है। जैसे बिग प्लांट होता है उसके सीड से, कोई बड़ा प्लांट होता है उसका जो बीज होता है यानी सीड होता है जब ज़मीन में गिरता है और उसको अपनी फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो ग्रो करता है और बेबी प्लांट बन जाता है। क्या बन जाता है? बेबी प्लांट, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन, यानी सीड से जब एक न्यू प्लांट ग्रो कर रहा है, सीड से जर्मिनेट हुआ है, बना है, पैदा हुआ है, उसको कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो कई प्रकार से हो सकता है, एक तो होता है सीड से ही, ठीक है, फर्स्ट है। तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं रिप्रोडक्शन करते हैं थ्रू सीड्स, तो रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स भी होता है कुछ प्लांट्स में, कुछ में स्टेम्स के थ्रू होता है, कुछ में लीव्स के थ्रू होता है, ठीक है। सीड्स के थ्रू कौन से प्लांट्स में होता है, बहुत सारे, जैसे कि मैंगो है ना, और तुम्हारा जितना भी ये वीट है, राइस है, सब सीड से ग्रो होते हैं। और रूट से कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो ना, ये अपना पोटैटोज, ये रूट से, पोटैटो नहीं आएगा, पोटैटो स्टेम से होता है, ठीक है। तो स्वीट पोटैटो रूट से आएगा और पोटैटो स्टेम से होता है, ठीक है। और इसी तरह से लीव्स से भी कुछ प्लांट्स जो है ग्रो करते हैं, जैसे ब्रायोफाइलम नाम का एक प्लांट है, वो लीव्स से ग्रो करता है, ठीक है। जैसे कि ये क्या, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, एक जैसे तुम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, एक ग्लास में वाटर फिल करना हाफ, और उसमें एक बीट रूट, शुगर स्वीट पोटैटो जो होता है हमारा, शक्करकंदी जो होती है, उसको डाल के रख देना, ठीक है, कि वो आधा पानी में डूब जाए। कुछ टाइप के बाद तुम नोटिस करोगे कि उसमें से यहाँ से जड़ें निकल रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो नया प्लांट ग्रो कर जाता है एक शकरकंदी से, यानी कि एक शकरकंदी क्या है, वो भी एक रूट है। शकरकंदी क्या है? रूट है, यानी स्वीट पोटैटो क्या है? रूट है। और उस रूट से एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है, यानी अगर उसकी जड़ें निकलने लग जाएंगी, उसको अगर हम मिट्टी में लगा देंगे तो क्या होगा, उससे एक प्लांट बन जाएगा, नया स्वीट पोटैटो का प्लांट लग जाएगा। इसी तरह से स्टेम्स के लिए क्या होता है, तुमने देखा होगा कि रोज़ प्लांट की स्टेम लगा देते हैं गमले के अंदर, तो कुछ टाइम के बाद उसमें से लीव्स आना शुरू कर जाते हैं और फिर वो नया पौधा बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से लीव्स के लिए एक लीव होता है, ब्रायोफाइलम नाम का एक प्लांट होता है, उसका लीव होता है, यहाँ पर उसके छोटे 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 पौधे जो है ग्रो करना शुरू कर जाते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे, और अगर हम इतना पीस काट के अगर ग्रो कर उसमें मिट्टी में लगा देंगे तो वहाँ पर ही नया ब्रायोफाइलम का पौधा लग जाएगा। इस तरह से ये अलग अलग प्रोसेस होते हैं इनके रिप्रोडक्शन के, थ्रू सीड, रूट, स्टेम, लीव्स, ओके। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सांस के साथ बाहर छोड़ देते हैं, इस प्रोसेस को ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमने प्लांट्स में भी ब्रीदिंग पढ़ी थी, मगर उसमें प्लांट्स में उन लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन नहीं लेते, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, और किसके थ्रू लेते हैं, स्टोमेटा के थ्रू, याद है ना, मैंने पहले भी फर्स्ट वीडियो में तुम्हें इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया था, स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स ब्रीद करते हैं, ओके। तो हम लिख सकते हैं प्लांट्स ब्रीद थ्रू स्टोमेटा, प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन,
एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, अपोजिट। ब्रीदिंग तो सब करते हैं, लेकिन ब्रीदिंग का तरीका सबका अलग अलग होता है, ऑर्गेन्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जो एनिमल्स लैंड पर रहते हैं, जैसे डॉग, कैट, बफेलो, टाइगर, गोट, सब ठीक है, उन लोग किससे सांस लेते हैं, नोज से और लंग्स का यूज करते हैं ब्रीदिंग में, ठीक है। नाक से सांस लेते हैं और लंग्स में जाती है, फिर लंग से वापस नाक से बाहर निकल जाती है, एयर जो है इस तरह से मूव करती है, इसको कहते हैं ब्रीदिंग। तो टेस्टर एनिमल्स क्या यूज करते हैं, नोज एंड लंग्स यूज करते हैं ब्रीदिंग में। इसी तरह से फिशेस जो होती हैं वो गिल्स का यूज करते हैं ब्रीदिंग करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उनका जो फिशेस जो होती हैं वो एक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहती है, तो वो गिल्स जो होता है वो पानी में से ऑक्सीजन को फिल्टर करके लेता है। ऐसे कॉकरोचेस जो होते हैं वो स्पायरेकल्स का यूज करते हैं, ठीक है, ब्रीदिंग के लिए। स्पायरेकल्स क्या होते हैं, ट्यूब्स लाइक, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कॉकरोच के अंदर, हायर क्लासेस में आगे आप पढ़ोगे। तो कॉकरोचेस स्पायरेकल के थ्रू ब्रीद करता है। फ्रॉग जो होते हैं, क्योंकि एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस मीन्स जो वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं, जब ये वाटर में होते हैं तो स्किन से ही सांस लेते हैं, जब ये लैंड पे रहते हैं तो लंग से सांस लेते हैं, ठीक है, ब्रीद करते हैं। तो ये स्किन से भी ब्रीद कर सकते हैं और लंग से भी ब्रीद कर सकते हैं, इसीलिए ये फ्रॉग्स जो होते हैं एम्फीबियन होते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं, ओके। अच्छा, फर्स्ट वीडियो में हमने सिमिलैरिटीज पढ़ी थी, अभी डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स देखेंगे, ठीक है। तो प्लांट्स और एनिमल्स में क्या डिफरेंस है, प्लांट्स में दे आर प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर होते हैं, दे आर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर बताया था ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं, और ये कंज्यूमर, ये इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। दे ग्रो थ्रू आउट द लाइफ, अब प्लांट्स जो होते हैं धीरे धीरे बढ़ते ही रहते हैं अपना, जब तक वो पूरा जिंदगी, जब तक वो धरती पे हैं तब तक वो ग्रो करते रहते हैं। आफ्टर सम टाइम दे स्टॉप ग्रोइंग, एनिमल्स जो होते हैं कुछ टाइम के बाद ग्रो करना बंद कर देते हैं। अगर हम हमेशा ग्रो करते रहते हैं क्या पता आसमान तक पहुंच जाते हैं ना, मगर हम लोग कुछ टाइम के बाद ग्रो करना बंद कर देते हैं, हमारी ग्रोथ बंद हो जाती है, ठीक है। दे आर फिक्स टू ग्राउंड, ओनली सम पार्ट ऑफ इट कैन मूव, प्लांट्स जो होते हैं वो ग्राउंड में फिक्स होते हैं, जमीन में, मिट्टी में वो फिक्स होते हैं, उनके रूट्स के द्वारा वो फिक्स होते हैं, है ना, वो मूव नहीं कर सकते, केवल उनके कुछ पार्ट्स जैसे कि लीव्स हैं और रूट्स हैं ये मूव कर सकते हैं, ब्रांचेस हैं ये मूव करते हैं, ऐसे केवल हवा में हिलते हैं। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब देयर रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इज स्लो, ठीक है, एज दे डू नॉट हैव सेंस ऑर्गेन्स, प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर कोई सेंस ऑर्गेन्स नहीं होते हैं, जैसे हमारे अंदर नोज है, टंग है, स्किन है, ईयर है, आइज है, ऐसे इनके नहीं होते हैं, इसीलिए इनका रिस्पॉन्स टू स्टिमुली बहुत स्लो होता है, ठीक है। कुछ प्लांट्स में तो दिखाई भी नहीं देता उनका रिस्पॉन्स, ठीक है। इसी तरह से दे हैव सेंस ऑर्गेन्स, एनिमल्स जो होते हैं उनके पास नोज, आइज, ईयर्स, सेंस ऑर्गेन्स होते हैं, इसीलिए वो जल्दी ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुली के लिए, ठीक है। रिप्रोड्यूस थ्रू सीड, स्टेम एंड रूट्स, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं यानी रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सीड से होता है, स्टेम से होता है, रूट से होता है, लीव से होता है, ठीक है। और एनिमल्स में कैसे होता है, या एग से होता है या वो गिव बर्थ टू यंग वन करते हैं, यानी कि सीधा या तो उनका यंग वन को ही प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, या उनको एग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। ब्रीदिंग थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा से ब्रीद करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कैसे होती है स्टोमेटा से और ऑक्सीजन बाहर कैसे जाती है स्टोमेटा से। इसी तरह से ब्रीद थ्रू नोज एंड लंग्स, और एनिमल्स जो होते हैं उन लोग कैसे ब्रीद करते हैं, कोई नोज लंग्स को यूज़ करता है, कोई गिल्स को, कोई स्किन को, कोई स्पेरिकल को, अलग अलग एनिमल का अलग अलग ब्रीदिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। और ब्रीदिंग ऑर्गन्स भी डिफरेंट होते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेज हैं एनिमल्स और प्लांट्स के, ओके। हमने इससे पहले वाली वीडियो में लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ा था। लाइफ स्पैन क्या होता है, किसी भी जीव का, लिविंग थिंग का लाइफ, कितनी लाइफ है, मतलब
कब वो जन्म लिया और कब वो मरा, इन दोनों जन्म और मरण के बीच का जो गैप है इसको लाइफ स्पेन कहते हैं। ठीक है, तो जो जिनका लाइफ स्पेन केवल 1 ईयर होता है, जिनका लाइफ स्पेन 1 ईयर होता है, 1 ईयर होता है, ठीक है, उनको कहते हैं एनुअल, एनुअल प्लांट्स। और जिनका लाइफ स्पेन 2 ईयर्स होता है उसको कहते हैं बाय नियल प्लांट्स। और जिनका लाइफ स्पेन 2 साल से ज़्यादा होता है, मोर देन 2 ईयर्स होता है, उसको कहते हैं पर्नियल। वन ईयर एनुअल का क्या एग्जाम्पल है, पी प्लांट 1 साल तक ही जिंदा रहता है, उसके बाद सूख के मर जाता है। बाइनियल 2 ईयर्स का लाइफ स्पेन किसका है, बीट, शुगर बीट, ठीक है, और बीट रूट, ये जो है 2 साल के लिए इनका प्लांट ग्रीन रहता है, उसके बाद ये भी सूख जाता है और मर जाता है। मोर देन 2 ईयर्स में बहुत सारे आते हैं पर्नियल प्लांट्स, जैसे कि मैंगो ट्री है, बनियन ट्री है, सारे ट्रीज हैं, बहुत सारे ट्रीज हैं जो बहुत सारे सालों तक हरे भरे रहते हैं, उसको कहते हैं पर्नियल प्लांट्स। ओके, तो बच्चों ये लेसन कंप्लीट हो गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लेसन पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चन आंसर तुम खुद सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं आता कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है तो कमेंट में ज़रूर लिख देना, मैं उसको सॉल्व करके दे दूँगी। ओके, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।